मॉम, मैं वोल्कान से मिलकर आता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारे डैड के केबिन में हूँ। हेलो मिस सेल्डा। हेलो बुराक सर। हाय। वोल्कान अपने ऑफिस में? नहीं, मिस्टर वोल्कान और सिनन बाहर गए हैं। एनी आइडिया कहाँ गए होंगे? वो क्लब गए हैं। ठीक है, थैंक्स। मैं तुम्हारे डैड के केबिन में जा रही हूँ, लेट मत करना, उनसे मिलकर ही जाना, ठीक है? ओके ओके मॉम। मैं यहाँ रुक कर क्या करूँगा, अंकल भी यहाँ नहीं है, मैं भी क्लब चल कर ही देखता हूँ। क्या और कुछ लेना चाहेंगे? नहीं, थैंक यू थैंक यू। एक मिनट, तुम ये डाइट मील किचन में रख दोगी? मुझे खाना वेस्ट करना अच्छा नहीं लगता है। मतलब ठीक कल की तरह? हाँ। खाना बहुत लजीज था। वाकई तो सॉर्टेड है, लेकिन मैं ये खाना बिल्कुल नहीं खा सकता। सर, अगर आपको ये खाना नहीं चाहिए तो मैं खा लूंगी। हाँ बिल्कुल खा लेना, लेकिन सेल्डा को पता नहीं चलना चाहिए। मुझे क्या पता नहीं चलना चाहिए निहात? ओह डार्लिंग, तुम यहाँ कैसे? हेलो मिस सेल्डा। हेलो मिस माइन। मेरा कल का डाइट मील, कल मेरे पेट में गड़बड़ थी इसलिए मैं खा नहीं पाया, तो मैंने मिस माइन को वो खाना दे दिया और तुम्हें नहीं बताया क्योंकि तुम्हें बुरा ना लगे, क्योंकि मुझसे ये खाना खाया नहीं जाता है। आपका खाना लाजवाब था मिस सेल्डा। मैं आपसे पूछने वाली थी, कौन से केटरर से खाना मंगवाती है? हमारी इन हाउस खाना बनाती है, वो डाइट फूड में मास्टर है और हर तरह का खाना बना लेती है। ओह, मुझे लगा आप केटरिंग कंपनी से मंगवाती है मिस सेल्डा। मेरे कई दोस्त खाना ऑर्डर करते हैं, लेकिन आपके खाने का स्वाद और प्रेजेंटेशन का कोई जवाब नहीं। तुम चाहो तो तुम्हारे लिए भी डिब्बा भिजवा दूंगी। आप सच कह रही हैं? तकलीफ तो नहीं होगी? अरे नहीं, तकलीफ किस बात की, वैसे भी मैं देख ही रही हूँ निहात अपना खाना तुम्हें खिला ही रहे हैं। प्लीज सेल्डा, ऐसा मत करो, बस एक ही बार ऐसा हुआ था। ओके लाओ, मुझे दे दो, इसे मैं खत्म करता हूँ। हाँ हनी, ये सब कुछ ले जाओ और ये ब्रेड भी यहाँ से ले जाओ। सॉल्ट शेकर नहीं चाहिए, पानी का ग्लास रख दो। एक्सक्यूज मी सर। थैंक यू वेरी मच। मतलब तुम सिर्फ समर जॉब करने वाली हो? अगले साल मैं यूनिवर्सिटी जाने वाली हूँ, अगर रिजल्ट सही निकले तो। अरे वाह, मुझे जॉब की जरूरत है, इसलिए मैं तो परमानेंटली करने वाली हूँ। ओके, तो फिर चलो मैं आप लोगों को हमारा कैफे डिपार्टमेंट दिखा देता हूँ। और बाकी डिपार्टमेंट्स तो तुम लोग बाद में देख ही लोगी। तुम कहाँ काम करना चाहोगी वो भी बता देना। ओके। ओह लेवेंट, कम इन। ये हमारे कैफे के सुपरवाइजर मिस्टर लेवेंट हैं। आस्ल, गोंजा, ये दोनों हमारी नई एम्प्लॉइज हैं। वेलकम टू कैफे। लेवान प्लीज इन्हें हमारे कैफे की टूर करवाओ। हाँ बिल्कुल, आइए। थैंक यू वेरी मच। यू आर वेलकम। बहुत अच्छी शॉपिंग हुई ना? हाँ, तुम्हारी ड्रेस कमाल की है और तुम्हारे शूज भी। हॉलिडे पर तो तुम्हारी दाल नहीं गली। उम्मीद करती हूँ तुम्हारा बर्थडे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी साबित होगा। हॉलिडे में तो मेरे दोनों भाई मेरे आस पास ही थे, हमें अकेले वक्त ही नहीं मिला। तुम बिकिनी में कितने क्यूट लग रहे हो। क्या मतलब है तुम्हारा पिक? ऐसा ये क्या कर रही हो तुम? रुको, अभी तुम्हें मजा चखाता हूँ। रुको। नहीं, नहीं, नहीं। रुको। रुको, रुको, रुको। तुमने क्या कर रहे हो? अच्छा ठीक है ठीक है, सॉरी। नहीं हुआ, इधर ऐसा दोबारा नहीं करूँगी। क्या कर रहे हो? कहाँ जा रहे हो? जब हम पानी में थे तब मैं उसकी आंखों की गहराई में खो गई थी। मैं वो पल कभी नहीं भूल सकती। मुझे पूरा यकीन है वो तुम्हें बहुत पसंद करता है। वो शायद बाथरूम में बता देता, लेकिन वोल्कान की वजह से नहीं बताया और उसने बिल्कुल सही किया। वो पूरे वक्त मेरे साथ था, लेकिन वो मुझे अपनी बहन मानता है। मुझे ये बिल्कुल नहीं लगता आयदा। वो खोलकर अपनी फीलिंग्स कैसे एक्सप्रेस करेगा? तुम्हारा भाई उसका दोस्त है और तुम उसे रिजेक्ट कर दोगे, इस डर से उसने अपनी फीलिंग्स छुपा दी। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है? हाँ मुझे यकीन है। जस्ट ट्रस्ट मी। वो जिस तरह तुम्हें देखता है, याद रखना उसके पीछे बहुत सी लड़कियाँ होंगी। अगर किसी ने उसे पटा लिया तो तुम पछताती रह जाओगी। नहीं नहीं, ऐसा मत कहो। बाथरूम में भी लड़कियाँ उसके पीछे थी। अगर मैं नहीं होती तो पता नहीं क्या हो जाता। मैं उसे किसी और के साथ नहीं देख सकती। तो देर होने से पहले इजहार करो। तुम्हें किस बात का डर है? सोचो उसने हाँ कहा तो क्या होगा। तुम सही कह रही हो। इस बार मैं उसे सच बता कर रहूंगी। थैंक यू। वेलकम एल्चिन। हाय। ये कलर तुम पे बहुत सूट कर। क्या सच में तुम्हें अच्छा लगा? आई एम ग्लैड। थैंक यू सो मच। तुम्हें एक बात कहूँ, तुम्हारा टैक्सी से आना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तुम चाला के साथ थी इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन अगली बार या तो मैं रिसीव करने आऊंगा या मेरी कार भेजूंगा। डोंट वरी, तुम जब चाहो मुझे पिक करने के लिए आ सकती हो। मेरे पास तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ है। ऐसी क्या बात है? मैंने चाला को सब कुछ बता दिया। सच कह रही हो? हाँ, और उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर उसने क्या कहा? वेल, शुरुआत में वो थोड़ा चौंक गई थी, लेकिन बाद में हाँ कह दिया। मैं बहुत खुश हूँ। चाला का हमारे रिश्ते को मानना और नाराज ना होना मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मुझे भी चाला की परवाह है। I know honey, मैं जानती हूँ, और मुझे समझने के लिए और वक्त देने के लिए तुम्हारी शुक्रगुजार भी हूँ। थैंक यू सो मच। मैंने भी वोल्कान को सब सच बता दिया। नो वे, तुम सच कह रहे हो? क्या करता, मुझसे नहीं छुपाया जाता। इसका मतलब हम दोनों ने एक ही दिन अपने बच्चों को सारी सच्चाई बता दी। अच्छा बताओ, वोल्कान का रिएक्शन कैसा था? वो बहुत खुश था। काश मैं ऐदा से भी बात कर पाता। हाँ नहीं, मेरे ख्याल से उसे बताने की जल्दबाजी मत करो। कहीं और से पता चला तो वो बहुत नाराज हो जाएगी। मैं उसका दिल नहीं तोड़ सकता। तुम उसे जानते हो, तुम्हें जो सही लगता है वो करो। आप कुछ खाना चाहेंगी मैम? हाँ, क्यों नहीं। थैंक यू। देखते हैं। हाँ, नमिन और उमेर, तुमने पढ़ा उनका डिवोर्स होने वाला है निहात? ओह। और पता है एलुमनी कितनी मांगी है उसने? 20 मिलियन यूरोस। अगर उमेर जैसा आदमी अपनी बीवी को धोखा दे सकता है तो आप किस पर भरोसा कर सकते हैं निहात? देखो किसके लिए अपनी बीवी को छोड़ा उसने, उसकी बेटी से भी जवान है। उसका पैर फिसल गया होगा और क्या। निहात एक बात बताओ, तुम तो मुझे कभी धोखा नहीं दोगे ना? कम ऑन सेल्डा, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? तुम जानती हो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मैं क्या करूँ हनी, चारों तरफ यही चल रहा है। तुम किसी का इंतजार कर रहे हो क्या? नहीं, लेकिन मुझे अभी जाना होगा। मैं नई कंस्ट्रक्शन साइट को इंस्पेक्ट करने जा रहा हूँ। तो फिर ठीक है, मैं चलती हूँ डार्लिंग। ओह एक मिनट रुको, बुराक को कॉल करती हूँ, वो तुम्हारे साथ आ जाएगा। बुराक ऑफिस आया? वो काम में हाथ बटाना चाहता है। बुराक यहाँ पर है मतलब? हाँ, बताना भूल गई, हम दोनों एक साथ ही तो आए हैं। पता नहीं कहाँ रह गया है वो। मैं बुराक को अपने साथ नहीं ले जा सकता हूँ सेल्डा। क्यों नहीं ले जा सकते? तुम्हारे साथ रहेगा तो धीरे धीरे काम सीख जाएगा। बुराक, तुम कहाँ पर हो बेटा? मैं क्लब आया हूँ मॉम। उन्होंने कहा था अंकल और वोल्कान यहाँ है। लेकिन तुम वहाँ कहाँ पहुँच गए? ओ आई सी, तुम उनकी मदद करना चाहते हो। ठीक है, मैं समझ गई। कोई बात नहीं बेटा, तुम अपना ख्याल रखना। वो क्लब में वोल्कान का हाथ बटाने गया है। ओह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर उसे इतना ही पसंद है तो वो आज से क्लब जाकर काम कर सकता है, मुझे कोई परेशानी नहीं है। तो बुराक को वहाँ काम करना चाहिए। हाँ। लेकिन फिलहाल मुझे निकलना होगा, मुझे देर हो रही है। आज रात हम इस पर घर पर बात करेंगे। ओके हनी? ओके डार्लिंग। चलो मिलते हैं बाद में। बुराक, तुम मुझे ऊपर पहुंचा कर ही दम लोगे। उफ, तुम्हें जो सजा मिलती है ना, तुम उसके लायक हो, बिल्कुल लायक हो। गुड डे मिस्टर बुराक, मिस्टर वोल्कान कैफे में मौजूद हैं। ओके, थैंक्स। तुम्हें बात करनी चाहिए। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मेरे भाई क्या बात है? बुराक क्या हुआ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सब ठीक तो है ना? What do you mean? मैं यहाँ नहीं आ सकता। अरे नहीं, यहाँ तुम्हें अचानक देखकर चौंक गया। मैं मोम के साथ ऑफिस गया था, वहाँ पता चला तुम यहाँ हो तो यहाँ आ गया। हे, तुम टेंस लग रहे हो। नहीं ऐसा नहीं है। हाँ अब बात समझ आई। ये अभी भी कॉल करती है? हाँ मैंने उसे कॉल करने के लिए मना किया था। मेरे ख्याल से तुम्हें उससे एक बार मिल लेना चाहिए, वो यही चाहती है। तुम्हारी जगह मैं होता तो यही करता। इनफैक्ट मैं उसके साथ डेट पर जाता फिर उसे छोड़ देता। वो यही डिजर्व करती है। यार मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं जानता हूँ तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम गुड बॉय जो ठहरे। मेरी बात मानो वोल्कान, उसके साथ खेलो समझे। जरूरत पड़े तो बुरे बनो। लड़कियाँ अच्छे लड़कों के साथ यही करती है, तुम तो जानते ही हो। देखो मैं ये सब नहीं कर सकता बुराक। मैं खुद को नहीं बदल सकता। मैं जो हूँ वो हूँ और उसमें कोई बुराई नहीं है। फैसला तुम्हें करना है। फोन उठाओ और उससे बात करो, वरना वो कॉल करती रहेगी। वो तुमसे ऑब्सेस्ड है ब्रो, ऐसे ही नहीं मानेगी। हाँ बोलो। क्या तुम अपने ऑफिस में हो? नहीं डेनिस, मैं क्लब में हूँ। लेकिन तुम्हें क्या करना है? मैं तुमसे मिलने आ रही हूँ। बिल्कुल नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है। प्लीज वोल्कान, मैं पास ही हूँ, जल्दी पहुँच जाऊंगी। मुझे बस तुमसे एक बार मिलना है, उसके बाद मैं तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करूंगी। आई प्रॉमिस। कम ऑन, एक बार मिल लो। ठीक है लेकिन सिर्फ 5 मिनट के लिए। वो आ रही है। मैंने कहा ना वो आसानी से पीछा नहीं छोड़ेगी। अपना ख्याल रखना भाई, और जो मैंने कहा उस पर ध्यान देना। चलो बाद में मिलता हूँ। फोन पर मुझे इनकार करना आसान है, देखते हैं आमने सामने कैसे ना कहते हो। मुझे पूरा यकीन है कि तुम आज भी मुझे चाहते हो। और फाइनली ये रहा हमारा पूल। कहिए कैसी लगी आपको हमारी फैसिलिटी? ये क्लब बहुत अच्छा है, फैसिलिटीज भी अच्छी हैं। शहर के बड़े बड़े लोग यहाँ के मेंबर हैं। मेंबर्स के अलावा यहाँ कोई नहीं आ सकता। और एक बात याद रखना, मजरुल फैमिली और उनके क्लोज सर्कल की ये फेवरेट जगह है, इसलिए तुम दोनों को बहुत ध्यान देकर यहाँ सर्व करना होगा। हाँ बिल्कुल, हम शिकायत का मौका नहीं देंगे। ठीक है तो फिर कल सुबह 8 बजे मिलते हैं। ओके गुड लक। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू, गुड डे। मैं यहाँ मिस्टर वोल्कान से मिलने आई हूँ। वो इस वक्त कैफे में है, आप चाहें तो मैं आपको ले चलूँ? नो थैंक्स, मैं चली जाऊँगी। तो बताओ तुम्हें क्या बात करनी है डेनिस? हम यहाँ बैठकर बात करेंगे। क्या हम किसी प्राइवेट जगह नहीं जा सकते? डेनिस जो बात करनी है यहीं कर लो। अच्छा ठीक है, पर कहीं और चलकर बैठते हैं प्लीज। ये सपना तो नहीं है ना, हमें जॉब मिल गई यार। लेकिन मैं तो उनसे सैलरी के बारे में पूछना ही भूल गई। यहाँ सैलरी कम तो नहीं होगी ना? नहीं मुझे तो नहीं लगता। तुमने सही कहा, क्लब भी तो इतना बड़ा है और देखो ना कितना अच्छा है। तुम्हें कैसा लगा? हाँ बहुत खूबसूरत है। चलो वोल्कान से मिलकर निकलते हैं, आयदा मेरा वेट कर रहा होगा। तो वोल्कान से मिलने चले? हाँ बिल्कुल, उसने इंटरव्यू के बाद कैफे आने के लिए कहा था ना। लेकिन मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। बेवकूफ़ी मत करो आसले, उसने हमारी मदद की है, हम नहीं मिले तो बुरा लगेगा। हाँ तुम सही कह रही हो। वोल्कान मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। तुम्हारा दिल तोड़कर मैंने बहुत बड़ी गलती की। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, शायद मैं डर गई थी। पर तुम्हारे बिना रहकर मेरी आंखें खुल गई हैं। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं सब कुछ सही करना चाहती हूँ। प्लीज मुझ पर भरोसा करो, मुझे बस एक मौका दे दो। मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ूंगी। डेनिस, अब हम दोनों के रिश्ते का कुछ नहीं हो सकता। अगर तुम्हारी बात खत्म हो गई हो तो मैं चलता हूं। नहीं, इतनी जल्दी नहीं। डेनिस, मुझे किस करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, मैं खुद को रोक नहीं पाई, पता नहीं मुझे क्या हो गया था। डेनिस, तुम जाओ यहां से, प्लीज चली जाओ। हम आज भी एक दूसरे से प्यार करते हैं। तुम भले इनकार कर लो लेकिन यही सच है। मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगी। आज नहीं तो कल तुम्हें मुझे माफ करना ही होगा। असले, अरे नहीं, तुम यहां क्या कर रही हो? हे, तुम रो रही हो, क्या हुआ बताओ? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? ये मुझ पर गुस्सा क्यों है? वैसे भी वो यहां कर क्या रही है? जरूर मेरा पीछा कर रही हो। भाई, सब ठीक तो है? लगता है तुम्हारा मूड खराब है। तुमने सही कहा था, वो इतनी आसानी से मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाली है। मैंने उसे जाने के लिए कहा तो उसने मुझे होठों पर किस किया। यार वाह, क्या बात है, आखिर तुमने ऐसा क्या जादू किया है? प्लीज मजाक बंद करो बुराक। उसने सबके सामने तुम्हें किस किया? हाँ, और क्या। वाह 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 मेरे शेर, चलो उठो, चलते हैं यहाँ से। क्यों वोल्कान, चलो ना कुछ खाते हैं, भाग दौड़ कर मुझे भी भूख लगी है। चलो उठो यार, बकवास बंद करो, कहीं और जाकर खाना खा लेंगे हम। हाँ। बोलो क्या प्लान है? मैं पहले पार्टी के लिए उसे इनवाइट करूंगी, फिर पूछूंगी हम प्लान कैसे कर सकते हैं। जितना हो सके बातचीत करती रहूंगी। I love him, yeah. और फिर सही मौका मिलते ही मैं उसे अपने दिल की बात बिना शर्माए बता दूंगी। तुम्हें यकीन है ना आयदा, कहीं जल्दबाजी तो नहीं कर रही? जानसू, मेरा मतलब बर्थडे पार्टी की बात बताना सही नहीं होगा। मैंने बहुत इंतजार किया है, मैं अब और इंतजार नहीं करना चाहती। कम ऑन, लेट्स गो। ओके, जैसे मर्जी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हारिस कहाँ है? किसी काम में बिजी होगा, जल्द ही आ जाएगा। मुझे कैसे पता होगा? मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ क्या कि हर 4 मिनट के बाद वो मुझे कॉल करके अपडेट देता रहेगा? या मैंने कैमरे लगाए हैं जो मुझे हर बात की खबर होगी? नहीं हो तो बन जाओगी। वैसे भी तुम यहीं पड़ी रहती हो, आजकल हम रोज यहाँ आते हैं। हाँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं उसे बहुत मिस करती हूँ और वो मुझे और कहाँ मिलेगा। ऐजा, यकीन मानो मैं तुम दोनों को साथ देखना चाहती हूँ। एंड आई प्रॉमिस, इसके लिए जो भी करना पड़ेगा मैं करूँगी। अगर तुम नहीं होती तो उससे बात करने की मेरी हिम्मत ही नहीं होती। तुम सबसे बेस्ट हो। निहात, बैठो बैठो। बोलो क्या लोगे? कॉफी? तुम्हें कॉफी में एक्स्ट्रा शुगर पसंद है ना? देखो मुझे आज भी याद है। तुम यहाँ क्यों आई हो बशाक? बोलो तुम्हें कितने पैसे चाहिए? 500,000? 1 मिलियन? पता है तुम्हारा ये ऑफर सुनकर तो मेरे आंसू निकल जाएंगे। तुम जो दे रहे हो उसमें आजकल एक ढंग का घर भी नहीं आता। तो बोलो तुम्हें कितने पैसे चाहिए? इस बार मुझे पैसे नहीं चाहिए। तो फिर क्या चाहिए? जो मेरा था वो मुझे वापस चाहिए। मैं हमेशा के लिए टर्की लौट आई हूँ। तुम क्या कहना चाहती हो? ऐसी कौन सी चीज है जो तुम अब वापस पाना चाहती? लगता है उम्र के साथ तुम चीजें भूलने लगे हो निहात, और तुम मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। तुम्हें समझना मेरे बस के बाहर है। मैं जानता हूं तुम कितनी कमीनी हो बशाक। मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए और फिर यहां से चली जाओ, हमसे दूर। मैंने कहा ना, जो मेरा था वो मैं वापस लेने आई हूं यहाँ पर। ठीक है, तो फिर तुम्हें जो करना करो और मुझे बताओ मुझसे क्या चाहती हो? कि तुम मेरी मदद करो। तुमने क्या कहा? तुम्हारी मदद करूंगी? तुम भला मुझसे किसी भी तरह की मदद की क्यों उम्मीद करोगी? ये जरूर तुम्हारी कोई चाल है। ऐसी लगता है हमारे बीच कोई समझौता नहीं होगा। मैं तुम्हारी सपनों की दुनिया को छोड़कर जा रहा हूँ। फैसला तुम्हें लेना है। मैं अतीत में हुई गलतियों को सुधारने के लिए तैयार हूँ, लेकिन क्या तुम तैयार हो? बोलो तुम्हें क्या चाहिए? मेरी क्या मदद चाहिए तुम्हें? स्प्रे? ओह, कोई जरूरत नहीं। मिस चाला, क्या आप अपने हेयर स्टाइल से खुश हैं? बहुत अच्छा काम किया, थैंक यू। जरा देख कर करो। चाला? हेलो हनी। हाय माय लव। बहुत अच्छी लग रही हो। बुराक से मिलने जा रही हो? हाँ। तुम दोनों में सब ठीक तो है ना? हाँ, हम दोनों खुश हैं। तुम बताओ? तुम तो जानते हो, वही सेम ओल्ड। बोधरूम की ट्रिप कैसी रही? बहुत मजा आया। ओपनिंग भी बहुत कमाल की थी। हर किसी की नजरें हम दोनों पर थी। क्या बात है। अच्छा ये बताओ, वोल्कन की गर्लफ्रेंड कैसी है? वो ओपनिंग में नहीं आई थी। मैंने तुम्हें कहा ना, उससे पहले उसका ब्रेकअप हो गया। डेनिस ने कॉल किया, शायद यही वजह होगी। वैसे लड़की बहुत ब्यूटीफुल थी है ना? ब्यूटीफुल? आई मीन डेनिस के कंपैरिजन में तो बहुत खूबसूरत थी। हाँ, तुमने सही कहा। तुम दोनों की जोड़ी कमाल लग रही थी, लेकिन वो लड़की वोल्कान के बगल में अच्छी नहीं लगी। वो उसे बिल्कुल सूट नहीं करती। तुमने सही कहा। जो भी हो, उनका ब्रेकअप होना तो तय था। देखो कुराए, मेरा सिर्फ एक अच्छा दोस्त है। हम अचानक जस्ट फ्रेंड्स। पता नहीं और कितना झूठ बोलेगी। वो दिन भर कोरे के वैन में रहती थी, उससे चिपक कर रहती थी। ये क्या कह रही हो? ये सब तुम्हें कैसे पता? मैं उस शो के लिए काम करती थी, लेकिन उसके नखरों से तंग आकर आखिर मैंने वो शो छोड़ दिया। सच में? 100%। छोड़ो ये सब, मैं रेडी हूँ, चलते हैं। ओके। थैंक यू, सी यू। सी यू। अगर डेनिस दूसरे के साथ है तो वोल्कान को कॉल क्यों किया उसने? तुमने उसे देखा ना, कैमरा देखते ही वो डेनिस को अकेला छोड़कर वहाँ से भाग गया। शायद वो दोनों कपल नहीं होंगे। उस मेकअप आर्टिस्ट ने क्या कहा तुमने सुना नहीं? मुझे लगता है उसने बॉर्डरूम में डेनिस को डम कर दिया था, इसलिए वो फिर से वोल्कान के पीछे पड़ी है। तुमने सही कहा, मुझे भी ऐसा ही लगता है। गर्मा गर्म गॉसिप। तुम पागल हो गई हो, तुम जो चाहती हो वो नामुमकिन है। मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं तुम्हें मुफ्त में एक सलाह देता हूँ, जैसे आई हो वैसे ही लौट जाओ। अगली बार मैं तुम पर तरस नहीं खाऊंगा। तुम ठीक तो हो ना? हाँ। झूठ मत बोलो, तुम ठीक कैसे हो सकती हो? मुझे भी तुम्हारे जितना ही बुरा लग रहा है, सोचा नहीं था ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। और मेरा क्या, मैं वो नज़ारा कभी भूल नहीं सकती हूँ। और सबसे बुरी बात यह है कि मैंने ये जॉब ली है, अब रोज मुझे उसे देखना होगा। I'm sorry यार, ये सब मेरी वजह से हुआ है। गोंजा, मैंने कहा था वोल्कान और मेरा कभी कुछ नहीं हो सकता। असली जिंदगी में कोई राजकुमार सिंड्रेला को नहीं चुनता। मैं बचपन से ही जानती हूँ फेरी टेल्स कभी सच नहीं होती। प्लीज फिर कभी मुझे यकीन दिलाने की कोशिश मत करना। प्लीज मुझे माफ कर दो असली। फोन उठा लो ना। नहीं, मैं नहीं उठाऊंगी, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती हूँ। बेवकूफ मत बनो गोंजा, प्लीज। मैं ठीक हूँ। नहीं, तुम ठीक नहीं हो। मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ। हाँ, मुझे शौक लगा था क्योंकि मैंने ये उम्मीद नहीं की थी, लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा हुआ कि मुझे सब कुछ पता चल गया, आगे से अलर्ट रहूँगी। अब अगर तुम कहो तो हम ये जॉब छोड़ भी सकते हैं। उन्हें कॉल करके कहेंगे हमें ये जॉब नहीं चाहिए। लेकिन उसे वजह क्या बताएंगे? उसने हमारे लिए ये सब किया, उसकी ऑफर हमने एक्सेप्ट की, अब ये रूड होगा। वैसे भी हमें जॉब की ज़रूरत तो है ना। तुम सही कह रही हो, मुझे नहीं लगता हमें ऐसी जॉब कहीं मिलेगी भी। अब वोल्कान के बारे में बात मत करना। आज से वोल्कान हमारे लिए सिर्फ एक बॉस है। मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैं तुम्हें कभी ऐसा सपना नहीं दिखाऊंगी जिससे तुम्हें तकलीफ हो। अब तो फोन उठाओ। हेलो गोंजा, कहाँ हो तुम? इतनी देर से फोन नहीं उठा रही, मुझे टेंशन हो रही है। वो मैं जॉब इंटरव्यू के लिए गई थी आयदा। इतना लंबा कौन सा इंटरव्यू चलता है आखिर? कैसा रहा इंटरव्यू? गुड न्यूज़ है, हमें जॉब मिल गई, हम कल से शुरू करेंगे। इतनी जल्दी मिल गई? मैं बहुत खुश हूँ। मुझसे मिलो ना। फिर कहाँ मिलोगी? ठीक है, मैं इस वक्त आसले के साथ हूँ, निकलते वक्त मैं तुम्हें कॉल करूँगी। आई लव यू। आई लव यू टू। आसले, तुम भी मेरे साथ चलो ना। नहीं गोंजा, तुम ही जाओ, मुझे कुछ नहीं होगा। ओके ओके। यार, तुम डेनिस के साथ वापस क्यों नहीं आ जाते? मैं फिर से वही गलती नहीं दोहराना चाहता। एक बार जो भरोसा टूट जाता है वो दोबारा कभी नहीं जुड़ सकता। यार, मुझे तुम्हारी बातें समझ नहीं आती। मैं तुम्हारी तरह इमोशनल नहीं हूँ, मैं सिर्फ लाइफ को एंजॉय करना जानता हूँ, मजे करना जानता हूँ। मैं तो कहता हूँ तुम भी मेरी तरह बन जाओ, कभी अपसेट नहीं रहोगे। शायद तुम सही हो, मैं सब कुछ सीरियसली लेता हूँ। शायद इसलिए डेनिस डर गई और फिर उसके बाद वो मुझे छोड़कर चली गई। भाई, हम अभी यंग हैं, हमारे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है, इतना टेंशन मत लो। वैसे भी बैचलर्स लाइफ सबसे बेस्ट लाइफ होती है। ये देखो, इस लड़की के सिक्स्थ सेंस की दाद देनी पड़ेगी। लगता है इसने मेरी बात सुन ली। यस बेबी, बोलो। हेलो, तुम क्या कर रहे हो बुराक? ड्राइव कर रहा हूँ, अभी क्लब से निकला हूँ वोल्कान के साथ। तो आज का क्या प्लान है? मुझे लंच पर मिलोगे? ओके, तो आज पेरिस के रेस्टोरेंट चले? ठीक है, तो फिर मैं यहाँ से सीधा वहाँ पहुँचती हूँ। ओके ठीक है, मिलते हैं। सी यू। उसे और कितनी देर लगेगी? वो आ गया। मैं कैसी लग रही हूँ? परफेक्ट। हेलो गर्ल्स। हेलो हेलो। आज यहाँ क्या बात है, सब ठीक है ना? हम ठीक हैं। हाँ, सब कुछ ठीक है। एक्सक्यूज मी, किसका कॉल होगा? मैं उससे बात कर रही थी। वो जरूर वापस आएगा, कम डाउन। ओह ऐदा, अगर उसकी कोई गर्लफ्रेंड हुई तो? चुप रहो जानसू, अगर ऐसा होता तो भाई मुझे बताता। फिर भी हमें उस पर नजर रखनी चाहिए। तुम कहाँ हो म्यूगी? ओके, मतलब बहुत करीब हो। 100 मीटर्स पे लेफ्ट ले लेना। ओके सी यू। तुम मुझसे कब बात करोगी? तुम रेडी हो ना? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। लेकिन मैं रेडी नहीं हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। लग रहा है हार्ट अटैक आ जाएगा। वो आ रहा है। वो अगले हफ्ते मेरा बर्थडे है, क्या मैं यहाँ पार्टी अरेंज कर सकती हूँ? हाँ जरूर, जैसे तुम्हारी मर्जी। ठीक है ग्रेट। मैं ज्यादा लोगों को इन्वाइट नहीं करूँगी, बस मेरे कुछ फ्रेंड्स होंगे। यकीन मानो बहुत मजा आएगा। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें एक डीजे की जरूरत होगी म्यूजिक के लिए। एक्सक्यूज मी। हेलो स्वीटी। हेलो। कैसे हो तुम? जानसू वो लड़की कौन है? क्या तुम भी वही देख रही हो जो मैं देख रही हूँ? बहुत दिन बाद मिली। प्लीज शांत हो जाओ, पर जरूर उसकी गर्लफ्रेंड होगी। मत बोलो जानसू, चुप रहो। तुमने कहा था ना, देखा क्या हो गया। मैं अपनी बात भी पूरी नहीं कर पाई। दोनों सिर्फ दोस्त नहीं है, जरूर उनका अफेयर है, लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है? अब तो मैं यहाँ बिल्कुल भी नहीं रुक सकती। चलो यहाँ से जानसू। मैं उसे दिल की बात बताने आई थी, लेकिन देखा क्या हुआ। मैंने क्लब में असली को देखा। तुम जानते हो वो वहाँ क्यों आई थी? वो वहाँ इंटरव्यू देने आई थी। क्या? कौन सा इंटरव्यू? असली अब से हमारे कैफे में काम करने वाली है। तुम मजाक कर रहे हो ना? नहीं, हमारी वजह से उसकी जॉब गई। उसने हमारे लिए जो कुछ किया, मतलब तुम्हारे लिए उसने जो कुछ भी किया, उसके बाद उसके लिए भी हमें कुछ करना तो चाहिए था। हाँ तुम सही कह रहे हो। वैसे ऐदा को जब सच पता चलेगा तो वो उसे कभी माफ नहीं करेगी। मैंने भी चाला से झूठ बोला और अब आगे भी बोलना पड़ेगा। आखिरकार तुम्हें एहसास हो ही गया कि झूठ बोलने का अंजाम क्या होता है। कंग्रेचुलेशंस। नहीं नहीं, उस वजह से नहीं। मैं नहीं चाहता चाला को पता चले कि मैंने झूठ बोला था। तुम टेंशन मत लो यार, वैसे भी चाला हमारे क्लब में नहीं आती है और असली को जॉब की बहुत ज़रूरत थी। और ऐदा ने भी मुझसे प्रॉमिस किया है कि वो मेरी पर्सनल लाइफ में टांग नहीं अड़ाएगी। अब तुम्हें असली की बड़ी परवाह है? क्या बात क्या है? आई मीन तुम उसे पसंद तो नहीं करते? अरे तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हो? अगर मैं किसी की हेल्प कर रहा हूँ तो इसका मतलब मैं उसे पसंद करता हूँ। वैसे मुझे तो यही लगता है। मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ बुराक। ओके, अब गुस्सा मत हो भाई। वो ना एक वायरस की तरह है जो मेरी जिंदगी में फैलता ही जा रहा है। थैंक यू वेरी मच। एंजॉय। लेट हो गई ना, आज ट्रैफिक बहुत ज्यादा था। शायद कहीं किसी का एक्सीडेंट हो गया हो। नहीं नहीं ठीक है, मैं खुद अभी आया हूँ। तुम अभी आए हो? क्या मतलब है तुम अभी आए हो? मतलब अगर रास्ते में ट्रैफिक नहीं होता और मैं यहाँ सही वक्त पर पहुँच जाती तो क्या होता? मुझे तुम्हारा आधे घंटे तक इंतजार करना पड़ता। और क्या तुम यही चाहते हो कि मैं तुम्हारा इंतजार करती रहूं? अरे नहीं, मैं तुम्हें इंतजार क्यों करवाऊंगा, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। बात दरअसल ऐसी है कि मैं तुम्हें बताता हूं, पर प्लीज गुस्सा मत करना क्योंकि मैंने असल में तुमसे झूठ बोला था। तुमने मुझसे झूठ बोला? तुमने मुझसे क्या झूठ बोला आयदा? नहीं नहीं मैंने झूठ नहीं बोला था, गलत समझ रही हो। वैसे बात दरअसल ऐसी है, मैं एक घंटे से यहाँ बैठा हूँ। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि तुम्हें बुरा लगता कि मैं तुम्हारे लिए वेट कर रहा हूँ, तो फिर इसलिए नहीं बताया। तुम कितने अच्छे हो, तुम ऐसे क्यों हो आयरदाम? पता नहीं, पर ये फूल तुम्हारे लिए लाया हूँ। बैठकर बात करें? हाँ चलो। हाय वोल्कान। हेलो, कैसे हो बरिस? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। है कौन वो? काफी ब्यूटीफुल है। मेरी कजन है। ओके, गुस्सा मत होना यार, तुम्हारी कजन मेरी कजन। चलो मैं तुम्हें उससे इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। थैंक यू, थैंक्स। तो तुम्हारा इंटरव्यू कैसा रहा? अच्छा रहा, हमें जॉब मिल गई। बड़ी अच्छी बात है। थैंक यू आयदा, हम दोनों भी यही चाहते थे कि हमें जॉब मिल जाए। असली और मैं एक साथ काम करने वाले हैं। और काम क्या है? वोल्कान ने जॉब दिलाया है एक स्पोर्ट्स क्लब में। इनफैक्ट वो क्लब उन्हीं का है और हम कैफे में काम करने वाले हैं। मतलब हमारे बॉस मिस्टर वोल्कान? हाँ वही, अच्छी बात है ना। वो बहुत अच्छे हैं। हाँ तुमने सही कहा, उन्होंने हमारे लिए बात की, हम कल से काम करने वाले हैं। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। देखो मैं जानती हूँ तुम्हें भी जॉब चाहिए, मैं तुम्हारी बात करने ही वाली थी लेकिन पहला दिन था तो मैं बात नहीं कर पाई। अरे नहीं कोई बात नहीं, मेरी कई जगह पर बात हो गई लेकिन अभी तक कुछ डिसाइड नहीं हुआ है। टेंशन मत लो, कुछ ना कुछ हो जाएगा, बात बन जाएगी। बहुत ऑप्शंस हैं। ठीक है, अच्छी बात है। मेरे भैया का कॉल है। वो हरदम मुझे अब निकलना होगा। पर अभी तो आई हो तुम। हाँ लेकिन तुम तो मेरे भाई से मिल चुकी हो ना, अब तक तो समझ ही गए होगे कि आखिर मेरे भैया कितने सनकी टाइप के इंसान हैं। हाँ चलो चलते हैं, चलते हैं हम लोग। मैं बोर हो गई हूँ निहात, चलो ना कहीं बाहर चलते हैं, किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में डिनर करने चलते हैं। क्यों नहीं, तुम तैयार हो तो फिर निकलते हैं ना। अरे हाँ, एल्चिन भी आज आई होगी, वो जरूर इस वक्त सिनान के साथ होगी। मैं कॉल करके पूछती हूँ उनका प्लान क्या है। कॉल करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन उन्हें डिस्टर्ब करना ठीक नहीं। मैं उन्हें डिस्टर्ब कहाँ कर रही हूँ, मुझे जानना है कि वो कहाँ है, क्या कर रहे हैं। ओह सेल्डा का कॉल है। ओह हेलो सेल्डा, कैसी हो? हाय एल्चिन, क्या तुम इस्तांबुल में हो? हमारी बात ही नहीं हुई। हाँ मैं आज दोपहर को यहाँ आई हूँ और सिनन के साथ लंच करने के बाद अब हम दोनों कॉफी पी रहे हैं। मतलब दोनों लव बर्ड साथ में हैं। अच्छा सुनो ना, मैं और निहात घर पर बहुत बोर हो रहे थे तो हमने सोचा कहीं बाहर चलते हैं और वहीं खाना खाते हैं। अच्छा तुम दोनों इस वक्त कहाँ हो? हम यहाँ टेंट में बैठे हैं। क्या कह रही हो? सच में? हम दोनों भी वहीं आने की सोच रहे थे। रियली? तो फिर जल्दी ही आ जाओ, वेट करते हैं। तो ठीक है एल्चिन, हम अभी निकलते हैं। हाँ हमें भी खुशी होगी, जल्दी मिलते हैं। लो मैं जानती हूँ हम निकलने वाले थे लेकिन सेल्डा इतनी खुश लग रही थी कि मैं मना नहीं कर पाई। कोई बात नहीं एल्चिन, उन्हें आने दो, सेल्डा जरूर हमसे मिलना चाहती होगी। सही कहा, उसे हमेशा लगता था कि हम दोनों एक अच्छा कपल बन सकते हैं। वो तुम्हारी बहुत तारीफ करती थी और वो बिल्कुल सही भी थी, है ना? वो हम दोनों को अच्छे से जानती है तो वो गलत कैसे हो सकती है? हाँ बिल्कुल सही। मैंने सारे पैसे तुम्हारी पढ़ाई पर लगा दिए हैं। मैं चाहता था कि तुम सिलाई बुनाई सीखो, पढ़ाई करो और बड़ी बन जाओ, लेकिन तुम तो मॉडलिंग करना चाहती हो। ऐसा क्यों कह रहे हो पापा? वो भी हमारे दुश्मन के लिए। ये जानबूझकर अनजान बन रही है। नहीं पापा। या तुम उसे नहीं जानती हो? मैं नहीं जानती। अरे बार कहनी पड़ेगी तुम्हें। I'm sorry Miss Emel, आप टीवी देख रही थी इसीलिए मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, लेकिन मैंने तो आपको डरा दिया। प्लीज मुझे माफ कीजिएगा, शायद मैंने आपको डरा दिया। कोई बात नहीं, निहात सर खुद कार लेकर के गए हैं इसीलिए मैं यहाँ हूँ। मैं चाय पी रही थी, आपको भी चाहिए तो बताइए, और फ्रेश कुकीज भी है। सच कहूँ तो चाय की खुशबू गार्डन तक आ रही है इसीलिए मैं किचन तक खिंचा चला आया। प्लीज बैठ जाइए, मैं चाय लेकर आती हूँ। थैंक यू। हमारी नई पीढ़ी बहुत बदनसीब है मिस एमिल, उन्हें असली प्यार का मतलब ही नहीं पता, जैसे फिल्मों में दिखाते हैं। आपने सही कहा, नई पीढ़ी बहुत बदनसीब है। इनका प्यार हफ्ते में या तो एक पल में खत्म होता है। हमारे वक्त बात कुछ और थी, हम आखिरी सांस तक एक दूसरे का साथ निभाते थे। मुझे भी प्यार हुआ जब मैं जवान था, लेकिन हम दोनों की शादी नहीं हो पाई। उन्होंने किसी और से शादी कर ली। फिर मैंने अपना घर छोड़ दिया और इस्तांबुल चला आया, लेकिन कभी शादी नहीं की क्योंकि कर ही नहीं पाया। सुनकर बुरा लगा, अपने प्यार को ना पाना बहुत दर्द देता है। आपकी बात समझ सकती हूँ। इसी को किस्मत कहते हैं मिस एमिल। हर एक की किस्मत होती है, हमें चाह कर भी नहीं मिलता। आखिरी दम तक उसे भूल नहीं पाऊंगा। आप दिल छोटा मत कीजिए, आगे चल के आपको वो खुशियां मिल जाएं। काश ऐसा हो। मुझे जरा जाना होगा, मैं असल को देख के आती हूँ। तो फिर मैं भी चलता हूँ। अरे नहीं नहीं, आप यहीं रुकिए, अपनी चाय खत्म कर लीजिए। थैंक यू देन। ओके। असलू बेटा, तुम इंटरव्यू से वापस आ गई हो? अभी आई हूँ मॉम। तुम्हारा इंटरव्यू कैसा रहा? चेहरा देखकर लगता है अच्छा नहीं गया। नहीं मॉम, इंटरव्यू अच्छा था। मैं कल से काम पर जाऊंगी। ओह, ये तो खुशखबरी है ना बेटा। तुम्हारा काम क्या है, कहाँ पर है? एक स्पोर्ट्स क्लब के कैफे में है। क्लब बहुत बड़ा और शानदार है। गौंजा भी वहाँ मेरे साथ काम करने वाली है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर क्यों तुम ऐसे अंधेरे में मुंह लटका कर बैठी हो? कुछ नहीं मॉम, मैं बस थक गई हूँ। ओह मेरी बच्ची, थक गई है ना, लेकिन तुम दुखी क्यों हो? हाँ असला, तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही हो ना? नहीं मॉम, मैं ठीक हूँ, बस थक गई हूँ। ठीक है, तुम कुछ देर आराम करो, मैं काम खत्म करके आती हूँ। ओके मॉम, आराम करो। Bizi yazmasın, mükemmel olmasın, benim kalbim her şeye yeter.